पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन एवं शिलान्यास। केशव मौर्य के पास एक स्टूल थी, वो भी चली गई। शिवपाल यादव की पार्टी को मिला स्टूल चिन्ह, तो कांग्रेस ने कसा तंज। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे बाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 1305 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बोले, शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के जिम्मेदार अफसरों पर होगी कार्यवाही। ओमिक्रॉन के कारण यूपी में बंद हो सकते हैं स्कूल, शिक्षा विभाग के नए निर्देश से मिल रहे संकेत। अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का लगाया आरोप, निष्पक्ष चुनाव को लेकर खड़े किए सवाल। यूपी में भी जारी हुई कोरोना की गाइडलाइन, शादी से लेकर मॉल में एंट्री के लिए होगी शर्त। मुख्यमंत्री नीतीश के जिले की जिला परिषद अध्यक्ष बनी पिंकी, बीटेक डिग्रीधारी अनुराधा बनी उपाध्यक्ष। भाजपा सांसद का मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान, कहा हमें आतंकवाद के समर्थकों का वोट नहीं चाहिए। एक जनवरी को 10 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा नए साल का तोहफा, पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे पैसे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।